तो हमको तीन रसायन पढ़ना है बेटा, ठीक है? कोई दिक्कत है? देखिए, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, रसायन विज्ञान को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन, कोई दिक्कत है? चलें आगे चलें। अब चलिए आगे हेडिंग डालिए, कार्बनिक रसायन। आगे हेडिंग डालिए, प्यारी सी हेडिंग डालिए, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बोलिए नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टीचर से बचने का सबसे आसान तरीका है, आप बोलिए नहीं और ना रिएक्शन दीजिए, आप जैसे ऐसे रहिए बस। नहीं कर रहे हो क्या बेटा? कर नहीं रहे हो क्या? अच्छा, हो गया। एकदम सिंपल भाषा में लिखना है कार्बनिक रसायन में, ठीक है? चलिए क्या लिखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम, लिखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बनिक पदार्थों, जिसमें हम कार्बनिक पदार्थों के गुणों, संगठन संरचना, गुणों संगठन संरचना आदि का अध्ययन करते हैं, आदि का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाती है। कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन कहलाती है। चौक वोक नहीं है क्या इधर? ए ए बेटा सुमित, जाओ लेकर आओ चौक टोल से, कहलाती है। हो गया, लिखो, जैसे जैसे CH4, C2H6, C3H8 आदि, CH4, C2H6, C3H8 आदि। अब देखो, कार्बनिक रसायन में आपको कार्बन जरूर मिलेगा, ठीक है? चाहे जो यौगिक आप लिखेंगे उसमें कार्बन की उपस्थिति अवश्य होगी, ठीक है ना? जैसे इसका नाम क्या है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ठीक है ना? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएंगे एकदम सिंपल में, जैसे मेथेन CH4 का संरचना सूत्र बनाना है, ठीक है? इसका नाम क्या है, मेथेन, ठीक है? तो एक ए ए एक ए आया, ठीक है ना? बन गया स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत है? अब अगले आगे ऐसे दूसरे का बनाना है, किसका है,
ये किसका क्या नाम है? एथेन। तो सी एंड सी तीन तरफ क्या लगा दीजिए, एच इसके और तीन तरफ इसके एच, ठीक है ना? करिए, कर लेंगे संरचना सूत्र ना। इसका संरचना सूत्र बनाएंगे तो हाँ, जितना हाइड्रोजन लगा दीजिए, ये ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए आदि, कर दीजिए ऐसे।